ठेले वाले ने कूड़े के ढेर से उठाया था इस लड़की को, 25 साल बाद लड़की ने चुकाया इस तरह एहसान। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी कब कौन सा करवट बदल दे किसी को कुछ नहीं पता। जिंदगी कभी कूड़े के ढेर में बिलखती है तो कभी आसमान में उड़ने लगती है। दोस्तों, इंसान बनाया ही गया है इंसान की मदद करने के लिए, किंतु कोई अपना कर्तव्य निभाता है तो कोई पीछे हट जाता है। आज की घटना कुछ ऐसी ही है। सोमवार का दिन था, सोबरन अपना सब्जी का ठेला लेकर घर आ रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे झाड़ियों से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। सोबरन ने अपना ठेला रोका और उस तरफ जाकर झाड़ियों में देखा तो उसके होश उड़। एक मासूम बच्चा कूड़े के ढेर पर पड़ी बिलख बिलख कर रो रहा था। सोबरन ने इधर उधर देखा और जब कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने उसे गोद में उठा लिया। सोबरन ने देखा कि वो एक खूबसूरत लड़की है। सोबरन उसे अपने घर ले आया। सोबरन की उस समय उम्र 30 वर्ष थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। सोबरन उस बच्ची को पाकर बहुत खुश था। उसने उसे पालने और शादी न करने का निर्णय लिया। यह घटना है आसाम के जिला तिनसुकिया की, जहां सोबरन रोजी रोटी के लिए अपना सब्जी का ठेला चलाता था। उसी समय यह लड़की सोबरन को मिली थी। सोबरन ने कठिन मेहनत कर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उस लड़की का नाम रखा ज्योति। सोबरन दिन और रात मेहनत कर अपनी बेटी को पढ़ाता और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। खुद एक बार भूखा सो जाता, किंतु अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। सोबरन ने 2013 में कंप्यूटर साइंस से स्नातक कराया और इसके बाद ज्योति तैयारी में जुट गई। इसके बाद 2014 में ज्योति ने आसाम लोक सेवा आयोग से PCS की परीक्षा में कामयाबी हासिल की और उसे आयकर सहायक आयुक्त के पद पर पोस्टिंग दी गई। सोबरन अपनी बेटी को देखकर आंसुओं से भीग गया, क्योंकि उसकी बेटी ने उसके सभी सपने पूरे कर दिए।